यूबीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं कोटला मुबारकपुर में, यहाँ S60 नंबर वार्ड में, जहाँ से विनोद करोतिया साहब जो है पार्षद हैं और SC ST के चेयरमैन भी हैं वो। और आज जो है हम स्थानीय लोगों से मिलने आए हैं, काम का जो है हम जायजा लेने आए हैं, क्या क्या काम इनके नेतृत्व में हुए हैं, भाजपा ने क्या क्या काम किए हैं। हमारे साथ में है एक मंडल अध्यक्ष जी। तो सर एक बात बताइए, विनोद करोतिया जी आपके यहाँ से जो है पार्षद हैं, इनके नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में अभी तक यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं? हमारे बाबू पार्क है, ये कोटला वार्ड है, इसमें बहुत काम करे हैं। ये जो सड़क अभी आपने देखी है, सी बहुत बड़ी सड़क है, ये कभी 20 साल में नहीं, राजनीति के चक्कर में या ये कुछ लोग नहीं बनन देते थे या कैसे बनाई भी नहीं किसी ने, MLA रह लिए, निगम पार्षद रह लिए लोग, पर अब की बार इन्होंने ये 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कि इतनी अच्छी सड़क बना के दी हमें। हम मीनाक्षी लेखी जी का और विनोद खरोतिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। और काफ़ी गलियाँ उन्होंने बनाई है, पूरा बाबू पार्क साउथ एक्स लगातार, और सफाई में तो इतनी है, खुद देख सकते हो इधर, देखो कैसे रेहड़ियाँ जा रही है, दो दो बार तीन बार सफाई होती है यहाँ पे हमारे क्षेत्र में। तो हमारे साथ में एक और साथी हैं सर, विनोद करोतिया जी जो पार्षद हैं, जो आप यहाँ पर जो पार्षद साहब हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं आपके पास? बहुत अच्छा काम करते हैं जी। पहले जो हमारे जो पहले यहाँ के जो निगम पार्षद थे वो CTV से निर्दलीय थे, खड़े थे जी। तो वो कहते थे अगर कुछ काम वाम करवाने के लिए तो कहते थे हमारी वो सरकार नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो बहाने वाने मारते थे कुछ सब कुछ काम वाम करने के लिए। और बहुत लोगों से उन्होंने पैसे वैसे भी हटे हैं काम वाम के लिए। अगर आप अभी किसी से पूछ के देखिए कि निगम पार्षद जो हमारे जो बने हैं BJP पार्टी के, विनोद खरोतिया जी, उनसे पूछ के देखिए या उनके बारे में किसी से पूछ के देखिए सफाई कैसी चल रही है। आप एक गली कोना कहीं भी पूछ सकते हो और सफाई एक नहीं दो दो बार हो रही है, सुबह भी होती है शाम भी होती है। और सफाई ऐसा कारण है जिससे आदमी बीमार पड़ जाता है, तो वो सफाई तो इनके काम से सबसे अच्छी हो रही है इस हिसाब से। तो एक और हमारे साथी हैं, स्थानीय साथी हैं यहाँ पे। सर किस तरह का काम यहाँ पर जो है विनोद करोतिया जी के नेतृत्व में हो रहा है? ऐसा मैं विस्तारक बलबीर सिंह, जो प्रदेश कार्यालय इस एरिया के अंदर ड्यूटी लगाई है हमारा जो ना, वो प्रदेश कार्यालय से हमारे आदेश हुए हैं कि आप जाइए उन पब्लिक लोगों से मिलिए, वार्डों की समितियों की मीटिंग कराइए, मंडलों की मीटिंग कराइए और वोटर तक जाइए आप। तो यहाँ पर जाकर विनोद करोतिया जी जो यहाँ पर कार्यशैली देखी गई है वो देखना, तो कोटला मुबारकपुर में आगे देखिए, आप खुद भी देख रहे हैं ये जो 25 साल से रोड जो हमारा पेंडिंग पड़ा, तो 25 साल से इसमें गड्ढे पूरे भरवाए हैं, उधर बाथरूम की तैयारी हो रही, उधर बाथरूम के लिए तैयारी हो रही है, उधर फुटपाथ की तैयारी हो रही है, सफाई में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। लेकिन टाइम और वक्त की बात यह है कि विनोद करोतिया जी 5 साल का टाइम है, अभी इनको 6-7 महीने हुए हैं, तो पीछे वाला सिस्टम जो पीछे जो खराब चल रहा है उसको ठीक, उस पर ऑनलाइन लाने के लिए इनको भी कुछ टाइम चाहिए। तो कितना समय देते हैं और कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर ये जी? तकरीबन हमारे जो ना जो वार्डों के अंदर इनके 5-7 दिन का टाइम होता है, 2 दिन अपने वार्डों में देते हैं, कुछ कार्यालय में भी देना पड़ता है, कुछ प्रदेश में भी देना पड़ता है, तो कुछ प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ उदाहरण भी होते हैं, बाकी 2 या 3 दिन में से तो अपने वार्डों के अंदर ही, जैसे मंडल अध्यक्ष होते रहते हैं, हमारे खंड प्रमुख साथ रहते हैं, हमारे समिति अध्यक्ष होते रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके दुख साथ देते हैं। तो ये हमारे साथ में स्थानीय यहाँ पर जो है कोटला मुबारकपुर S60 के वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं, जो इन्होंने आज ये बताया कि विनोद करोतिया बेटे आप इधर आइए, आप यहीं रहते हैं आप? हाँ, तो आप भी, आपके पार्षद विनोद करोतिया जी किस तरह का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या काम किए इन्होंने अभी तक आप बोलेंगे, किस तरह का काम यहाँ पर कर रहे हैं? सड़क वड़क सब बनवाई हम करने से, इधर पहले कुछ काम नहीं होता था, अब सारे काम हुए जब से निगम पार्षद आए विनोद करोतिया जी। तो पार्क की समस्या कैसी है यहाँ पर जी? पार्क पहले बेकार थे, जब तो अच्छे हो गए पार्क सारे, पेड़ वेड़ लगवा दिए हैं, हरियाली वरियाली बढ़ गई है पहले से जब से ये आए हैं, रोड वोड भी अच्छे हो गए हैं। खत्ता था बहुत बुरा था जिसमें नई मशीन लगवाई है जी, टेक्नोलॉजी नई लगवाई है जी, जिससे हमारे लिए बेनिफिट है जी, पहले गंद रोड पे आ जाती थी जी, अब तो सब सही हो गया जी। तो ये जो समस्याएं थी सर, ये कितनी, मतलब आपकी जो समस्या थी कितना आपको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सफाई का ध्यान भी रखना था, ये यहाँ के स्थानीय लोग जिस तरह के आपने बताया 2 लाख की आबादी है, कितनी परेशानियां थी, तो और इनके आने के बाद में वो कैसे सॉल्व की गई? ये कूड़ेदान भाई साहब 25-30 साल से बना हुआ है, इसमें इतनी बदबू मारती थी, जब भी हवा जिस तरफ की चलती थी लोग आसपास के सारे परेशान थे। जब आते ही करोतिया जी ने सबसे पहले जब यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले ये मोदी जी की जो योजना है इसके ऊपर ये कूड़ेदान की जो मशीन बनी है, एक दिन छुट्टी हो जाती, कोई गवर्नमेंट छुट्टी हो जाती, रोड तक कूड़ा आ जाता था, रोड जाम हो जाता था। अब इतनी अच्छी मशीन लगी है जो भी इन्होंने खरोतिया जी के फंड से जैसे भी लगी है, और इन्होंने जब से किना तो कूड़ा रहता बिल्कुल, पन्नी अभी जाके देख लेना कूड़ेदान पे, एक पन्नी कूड़ा नहीं पाएगा वहाँ पे। बहुत अच्छा काम करा है, लोग बड़े खुश हैं हमारे आने वाले टाइम पे भी, और बड़े खुश है, खुद ही कहते हैं कि भाई इन्होंने काम करा है जी। तो यहाँ पर हम खड़े हैं आज S60 वार्ड में, जहाँ पर ये विनोद करोतिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वार्ड है उनका, और ये भाजपा के जो है यहाँ से पार्षद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इस तरह के जो खरंजे बनाए गए हैं, सीमेंटेड खरंजे, पक्के खरंजे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये जितना भी सड़कों का निर्माण जो किया गया है ये भाजपा के नेतृत्व में, विनोद करोतिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर शानदार काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो हैं, मैं
बताना चाहूँगा, जो जितने भी स्थानीय लोग हैं इनसे बहुत खुश हैं और इनके काम की कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रहे हैं। सफाई और स्वच्छता का ख्याल भी यहाँ पर विनोद कोरतिया जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, कोटला मुबारकपुर।